दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। और आप सभी को एक स्टेटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और इसी वजह से मैक्सिमम लोग पाई नेटवर्क को माइन कर रहे हैं कि पाई नेटवर्क क्या आप सभी को एक राइट वैल्यू देगा। मतलब ये कि जिसके पास जितने ज़्यादा पाई के कॉइन्स होंगे क्या उसको उतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। तो दोस्तों आज इसी स्टेटमेंट को हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है आप सभी को बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा और वो जल्दी जल्दी इंक्रीज़ करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी बिहाफ पे पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस है, वो इंक्रीज़ करेगा और कितने टाइम में हमें रिजल्ट दिखना शुरू होगा, और अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है पाई नेटवर्क के अंदर, इंटरनेशनल कुछ अपडेट्स है उसको कवर करेंगे, कुछ टेक्निकल अपडेट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। अच्छा खासा पाई नेटवर्क अभी वॉलेट क्रिएशन में कर रहा है और कुछ मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस भी अभी हाल फिलहाल के अंदर कंडक्ट हो रही है, सिस्टम के बारे में भी आप सभी को पता लगेगा। तो वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी पाई के और क्रिप्टो के अपडेट्स आप सभी को देखने को मिलते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सभी इस वाली वीडियो फुटेज के थ्रू देख सकते हो किस तरीके से पाई नेटवर्क के ऑफलाइन इवेंट्स हो रहे हैं, जहां पे 400 से 500 लोग हैं, जैसा कि आप सभी इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर देख पाओगे, और सारे के सारे लोग बहुत ही क्रेजी लेवल पे पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी इसेंशियल ऑडियंस है वही पाई नेटवर्क को डेली बेसिस पे इंक्रीज़ करती है, और ऐसा एक सिर्फ कंट्री के अंदर नहीं होता, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होता है। इसी वजह से आप देखोगे कि पाई नेटवर्क की जो फ़ैन फॉलोइंग है डे बाई डे इंक्रीज़ होती रहती है। ट्विटर पर मतलब कि एक्स पे भी ये मोस्टली ट्रेंड करता रहता है, ठीक है, जब इसके कोई ना कोई अच्छे खासे अपडेट्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। और पाई नेटवर्क 2019 में आई हुई पहली एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसने अच्छा खासा फैन बेस क्रिएट कर लिया है, और इसने प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू, मतलब फ़ोन से जब हम माइनिंग करते हैं तो इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, और ये जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट वगैरह है वो पाई नेटवर्क ने ही शुरू किया था, डॉक्टर निकोलस ने, जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, ठीक है। और अभी के टाइम में 2019 के बाद बहुत सारी फ़ोन से माइन की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसीज आ चुकी हैं, जिनमें से बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसीज लॉन्च भी हो चुकी हैं और उनके जो वैल्यूएशन है हमें ठीक ही ठाक देखने को मिलते हैं। बट सबकी जो उम्मीदें हैं वो पाई नेटवर्क को लेके हैं, क्योंकि सबसे जो पहले शुरू हुआ था वो पाई नेटवर्क ही शुरू हुआ था, ठीक है, उसके बाद बाकी सब क्रिप्टोकरेंसीज आई थी फ़ोन में माइन करते टाइम, कि फ़ोन से हम माइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से सबसे पहले जो पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है उसके अंदर नंबर वन पे था बिटकॉइन, बिटकॉइन को ही पहले माइन वगैरह किया गया था, फिर वो धीरे धीरे करके उसका वैल्यूएशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, और आज की डेट में सबसे जो पावरफुल क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है, और उसका ओवरऑल वॉल्यूम आप सभी जानते हो सेकेंड नंबर पर इथीरियम है, ठीक है। उसी तरीके से पाई नेटवर्क पहली क्रिप्टो करेंसी है, बट अभी ये लॉन्च नहीं हुई, जब ये लॉन्च होगी उसके बाद आप सभी को इसकी ऑफिशियल रियलिटी पता लगने वाली है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे एक टेक्निकल अपडेट है पाई माइग्रेशंस को लेकर, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो अभी रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखोगे 50 मिलियन के आसपास अभी पेमेंट्स वगैरह कंप्लीट हुई है। पाई नेटवर्क की जो रिसेंट पेमेंट्स हैं वो अच्छी खासी स्पीड से बढ़ चुकी है, और जिन भी लोगों को KYC के रिगार्डिंग डाउट्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है KYC के रिगार्डिंग, तो आप सभी ये चेक करो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है, पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लो। अगर आप एलिजिबल हो फिर भी नहीं आया तो पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, ठीक है, KYC का एक फॉर्म होगा उसको आपको फिल करना है, देन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिसके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं वो लोग सही तरीके से फॉर्म को फिल करो, एक भी गलती मत करना। अगर आप सही तरीके से फॉर्म को फिल करोगे तो आपकी जो KYC है एक बार में वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि अब इन्होंने नया वर्जन अपडेट किया है KYC के रिगार्डिंग, और धीरे धीरे करके अच्छे खासे नंबर्स में KYC कंप्लीट हो रही है। अब हम दोस्तों बात करते हैं पाई नेटवर्क के इंटरनेशनल अपडेट्स के रिगार्डिंग, कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। तो पहला जो फुटेज आ चुका है कोरिया की तरफ से आ चुका है, कोरिया के अंदर अब 2024 के अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, जो कि प्रॉपर पाई के नेम से हैं, जैसा कि आप स्क्रीन वगैरह पर देख पाओगे पाई का प्रॉपर आपको यहाँ पर लोगो वगैरह देखने को मिलता है, और उसके साथ चाइना के अंदर भी कुछ स्टोर्स हैं, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहाँ पर 100% हमें पाई की पेमेंट्स देखने को मिलती है। पाई चैन मॉल के अंदर भी अपडेट्स वगैरह किए जा रहे हैं, ठीक है,
है, नए नए मतलब कि नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह को लाया जा रहा है। और यहाँ पे कोरिया के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने फूड के रिगार्डिंग वीडियो पोस्ट करी है कि एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है जहाँ पे 100% हमें पाई की ही पेमेंट के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वगैरह मिलता है, जैसा कि आप इस वाली वीडियो फुटेज के थ्रू देख सकते हो। और उसके साथ नॉर्मली चीज़ों को एक्सप्लेन वगैरह किया जा रहा है। और इस वाली फुटेज के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रॉपर अभी फोटो क्लियर नहीं है, बट ये डॉक्टर निकोलस है जो पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, और ये बेसिकली डिस्कस वगैरह कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि लॉन्ग टर्म में हम क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन वगैरह कर सकते हैं। और अभी धीरे धीरे करके AI और भी डिफरेंट चीज़ें आना स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, बट जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, वो 2024 के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकता है। क्योंकि अगर आपके पास राइट नॉलेज होगी तो आप कहीं से भी पैसा बना सकते हो, ठीक है। एक फील्ड आपके लिए नहीं होने वाली, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप कहीं से भी पैसा नहीं बना पाओगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो शेयर मार्केट होती है, जो क्रिप्टो मार्केट होती है, ये एक तरीके से गैम्बलिंग है। दोस्तों ये गैम्बलिंग नहीं है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी प्रॉपर, किसी की बातें सुन के आपने सोचा कि यार इस वाली क्रिप्टो में पैसा लगा देते हैं, या इस वाली क्रिप्टो को माइन कर लेते हैं, या इस वाले शेयर को बाय कर लेते हैं, तो वो आपने सुना या कोई छोटा मोटा आर्टिकल आपने पढ़ लिया कि हाँ ये अच्छा चल रहा है तो इस पर लगा देते पैसा। बट आपको हर चीज़ देखना पड़ता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है, अभी करेंटली उसके क्या एनालिटिक्स हैं और प्रीवियसली उन्होंने क्या क्या चीज़ें मतलब कंप्लीट करी हैं, ठीक है। सारा डेटा आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छी खासी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जिसने 40 साल पहले मान के चलो विप्रो में आपने हमने पैसा लगाया होता 40-41 साल पहले, तो उस टाइम पे अगर आपने 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में 700 करोड़ से ऊपर का उसका वैल्यूएशन हो जाता। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का उतना एक तरीके से इनकम नहीं होगा, बट छोटा भी इनकम होगा तब भी अगर आपने 100 रुपये से भी इन्वेस्ट वगैरह किया होता तो अभी के टाइम में कितना हो जाता आप सभी को अंदाज़ा है, 7 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, आप देख पा रहे हो, ठीक है। बट अगर आपके पास अभी नॉलेज है 2024 के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग, क्योंकि क्रिप्टो की जो ओवरऑल मार्केट है ना वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का पूरे महीने का जितना वॉल्यूम होता है उससे कहीं ज़्यादा एक सिंगल डे का क्रिप्टो मार्केट का होता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे रिसेंटली पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज है वो चाइना के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। इस वाली वीडियो फुटेज के थ्रू आप सभी देख पाओगे, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि Web3, मेटावर्स, गेमिंग और भी जो नई नई चीज़ें हैं वो काम कैसे करती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे हम टेक्निकल अपडेट को कवर कर लेते हैं कि अभी वॉलेट के रिगार्डिंग, मैनेंट के रिगार्डिंग जो मैनेंट डैशबोर्ड है उसमें क्या क्या चल रहा है। तो पहले मैं फुटेज दिखा दूं आपको। मैंने डैशबोर्ड आप यहाँ पे देखोगे, अकाउंट्स यहाँ पे आप देखोगे 4 मिलियन के आसपास शो कर रहा है। टोटल सप्लाई आपके सामने है, ग्राफ वगैरह आप सभी के सामने है कि मंथली KYC कितनी हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। मंथली बेसिस पे KYC किस हिसाब से की जा रही है, और यहाँ पे और भी डिटेल्स वगैरह शो की जा रही है, ठीक है, वॉलेट्स वगैरह के रिगार्डिंग, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पाओगे कल 30,000 के आसपास इंक्रीज हुआ था एक दिन के अंदर, और 4 मिलियन के आसपास टोटल था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी गया है पाई कंटिन्यूस टू बी पम्प्ड विथ अनदर 50 मिलियन पाई टू मूव द मैनेंट अप मोर देन 4 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी डेटा देख पा रहे हो जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था, ठीक है। यस्टरडे द नंबर ऑफ वॉलेट्स क्रिएटेड इन अ सिंगल डे सरपास 33,000, ठीक है, 33,000 के आसपास कल कंप्लीट हुआ है डेटा, ठीक है। और उसी का सिमिलर हम देखें, नियरली 20 मिलियन पाई कॉइन्स वर मैप्ड, 20 मिलियन के आसपास मतलब 2 करोड़ के आसपास पाई कॉइन को मैप्ड किया गया है। टुडे द प्रोजेक्ट टीम रिलीज एन एडिशनल 50 मिलियन पाई कॉइन्स टू माइनर। तो अभी आज के दिन 50 मिलियन के आसपास एडिशनली देखा गया है जो माइनर्स के थ्रू है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इन्होंने थोड़ी थोड़ी करके स्पीड इंक्रीज़ कर दी है पिछले महीने का हम कंपेयर करें तो, और आई होप सो कि ये जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़े जिससे कि सभी लोगों की KYC कंप्लीट हो जाए और उसके साथ वॉलेट क्रिएशन भी फास्ट चलता रहे, जिससे कि पाई नेटवर्क की जल्दी से जल्दी लॉन्चिंग हो और हमें ऑन द फ्लोर वो पता लगे कितना वैल्यूएशन है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि जिसके पास जितने ज़्यादा पाई के कॉइन्स होंगे क्या उसको उतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। अब इस स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। अभी के टाइम में 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है, पाई नेटवर्क को लेकर कि पाई नेटवर्क अच्छा करने वाला है, और दूसरे हैं पाई नेटवर्क कुछ नहीं करने वाला, टाइम वेस्ट कर रहा है, 4 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो हर फील्ड के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर हर बंदा एक पॉजिटिव सोचता है कि नेगेटिव सोचता है, और ये एक तरीके से
सही भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है गलत सोच रहे हैं, नहीं भाई, दोनों एंगल सोचने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ अगर है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, एडवांटेजेस भी होंगे। अब हम रियल बात करते हैं, पाई नेटवर्क कितना वैल्यूएशन देगा और ये जो स्टेटमेंट है क्या सच होगी कि झूठ होगी। तो यहाँ पे हाल फिलहाल के अंदर अभी जो आप वैल्यूएशन देखोगे $30 के आसपास आपको देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क अलग अलग डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, बट ये रियल नहीं है, आप सबको पता है, ठीक है। बट अभी डेली बेसिस पे ये अपडेट होता जा रहा है, मतलब इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम की भी बात करें तो वो भी हमें 2 लाख के अराउंड $US की हम बात कर रहे हैं, वो हमें देखने को मिलता रहता है, ठीक है। बट अब एक चीज़ आती है कि जब पाई नेटवर्क ऑफिशियली लॉन्च होगा क्या वो इसी के आसपास लॉन्च होगा, मतलब $30-40 के आसपास ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो फेक तरीके से है। जब वो रियल तरीके से आएगा क्या ये $30 आएगा या $50-60-100 इससे स्टार्ट होगा, क्या हो सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको रियल बताऊँ तो अभी जब वो स्टार्ट होगा, मतलब लॉन्चिंग उसका, तो आप सभी को स्टार्टिंग में उसका वैल्यूएशन $1 या उससे कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्री की माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। आप एक पाइनियर हो तो आपको क्या देखना है कि आपको सिर्फ ये चीज़ देख के चलनी है कि मैं पाई नेटवर्क को माइन कर रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ हो गई। और आप यहाँ से नॉलेज लो, हर टाइप की नॉलेज लो, जैसे कि वेब थ्री के रिगार्डिंग आप समझो, NFT कैसे काम करती है, मेटावर्स कैसे काम करता है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट कैसे काम करती है। अगर आपके पास इस चीज़ की नॉलेज होगी और यही नॉलेज पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है अलग अलग लोकेशंस के अंदर, मतलब USA के अंदर भी, नाइजीरिया के अंदर भी, या और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसी चीज़ की नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं, आपको ना ये लेके नहीं चलना कि यार उसका वैल्यूएशन अच्छा आएगा तो मैं कमाऊंगा, ये नहीं लेके चलना कि यार अगर एक $10 नहीं आया या $50 स्टार्टिंग में नहीं आया तो यार मेरा तो टाइम बर्बाद हो गया 4 साल ये वो, नहीं, आपको फोकस करना है अपनी नॉलेज पे, ठीक है। आप जितना सीखोगे उतना आप कमा पाओगे। अगर आपके पास NFT या इन टाइप ऑफ अलग अलग चीज़ों की नॉलेज होगी तो आप एक क्रिप्टो से नहीं बहुत सारी क्रिप्टो से पैसा बना पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, मार्केट को समझना कैसे है। और बात की जाए पाई नेटवर्क की वैल्यूएशन के बारे में तो स्टार्टिंग में आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फ्री में माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर जो पाई नेटवर्क ये जो एप्लीकेशन को रन कर रहा है, या जो नोड्स पे काम कर रहा है, ब्लॉकचेन्स पे काम कर रहा है, या हैकन पे काम कर रहा है, या ओवरऑल जो काम कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, अपनी जेब से थोड़ी पैसा लगा रहा है वो उतना, ठीक है, वो कर रहा है। आप सभी पाई ब्राउज़र की एप्लीकेशन को चलाते हो तो उसमें एडवर्टाइजमेंट ऑन हो जाती है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप बंद कर सकते हो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगी, तो उसी से वो अच्छा खासा रिवेन्यू बनाते हैं। और एप्लीकेशन का जो रिवेन्यू होता है वो बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर आप एक नॉर्मल यूट्यूब से पैसा कमाते हो, ठीक है, वीडियो एडवर्टाइजमेंट से, तो वो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। उसके कंपैरिजन में हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पर अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है, कम व्यूअरशिप पे भी, और उसके बाद जो एप्लीकेशन होती है उस पर बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक एक ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है जहाँ पे जो मतलब कि पाइको टीम ने जिसके कॉन्टेक्स्ट लिए होंगे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, वही एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छा खासा वहाँ पे एक तरीके से वो मिल जाता है, क्या कहते हैं फाइनेंस पे, क्या बोलते हैं उसको, रिवेन्यू मिल जाता है, क्योंकि ऑडियंस है उसके पास, ठीक है, पाइको टीम के पास ऑडियंस है, रोज के 40-50 मिलियन लोग आसपास देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे पैसा बना के वो नोट्स वगैरह पे काम कर रहा है, ठीक है। जो अलग अलग चीज़ें आप छत्तीस देखते हो ना डेली बेसिस पे, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये पाइनेंस अपनी जेब थोड़ी कर रहे हैं, ये सब पाइको टीम ही बेसिकली करा रहा है कि इसका ज़्यादातर लोगों को पता चले। और मेरा बस यही कहना है कि आप सभी इससे उम्मीदें लेके चलो, बट इतनी लेके मत चलो, आपको पहला टारगेट ये है कि आपको नॉलेज लेनी है, और जो भी वैल्यूएशन आएगा अगर पाइको टीम देखो अच्छा करेगा तभी उसका वैल्यूएशन आएगा, ठीक है। बिटकॉइन को भी 10 साल लगा था, ठीक है, बिटकॉइन को स्टार्टिंग में किसी ने सोचा नहीं था कि यार ये बहुत ही पावरफुल जाएगा, जो उस टाइम पे टेक्निकल एक्सपर्ट थे उन्होंने भी बोला था कि ये $2-3 जाएगा मैक्स टू मैक्स, और आज की डेट में आप देख लो कितना अच्छा खासा वैल्यूएशन है बिटकॉइन का, जो कि 2021 में बहुत अच्छा खासा हिट कर चुका है, और अभी जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि $1,00,000 तक जा सकता है, क्या पता भाई उससे ऊपर भी चला जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज। अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे बिटकॉइन आया था मार्केट में और धीरे धीरे करके उसका वैल्यूएशन बढ़ना शुरू हो गया था, उस टाइम पे भी जिसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होगा बिटकॉइन को, क्योंकि उस टाइम पे तो ईजी था ना बाय करना, क्योंकि अगर वो पैसे में लॉन्च हुआ है तो धीरे धीरे करके $1-2 हुआ होगा, तो लोग सोचेंगे यार अच्छा खासा धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है तो क्यों ना हम इस पर इन्वेस्टमेंट करें। तो इंडिया में उतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि यार इंटरनेट नहीं था मैक्सिमम, बात तो ये है, ठीक है। अब जब इंडिया में इंटरनेट आया तो इंडिया में इंटरनेट आने की वजह से पूरे ग्लोबल लेवल की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है वो है इंडिया, जो कि 140 मिलियन के आसपास लोग हैं, और USA सेकंड नंबर पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टेक्नोलॉजी कितना पावरफुल रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर मान लो इंडिया पास नेट इंटरनेट इतना ईजी नहीं आ पाता, इतना
चीप रेट पे नहीं आ पाता एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली हम कंपेयर करें, ठीक है, जियो आने से पहले। तो आपको पता है कि हम यूट्यूब वगैरह व्हाट्सएप वगैरह नहीं चला पाते, और मैक्सिमम लोगों को डर लगता था कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब का जो बटन होता है इसको कर देंगे तो बैंक से पैसा कट जाएगा। बहुत सारे अलग अलग मिथ थे, क्योंकि हम पे नॉलेज नहीं थी, तो मिथ होगा ना भाई किसी भी चीज़ को लेके। अब क्या है कि आपको पता है कि हमारे पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बढ़ चुकी है और हर कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है। अब है टेक्नोलॉजी का ज़माना, तो जिसके पास टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अच्छी खासी नॉलेज होगी वो कहीं से पैसा बना लेगा। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आप नॉलेज लो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और मेरा काम था भाई आपको समझाना कि आप कैसे फ्यूचर में चीज़ों को देख सकते हो। और दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इसके साथ चलना है या किसी और चीज़ के साथ चलना है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो आप चल सकते हो, बट आप नॉलेज हर जगह से लो। आज की वीडियो के देता था, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।